भाई देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अब देश के विकास राज्य के विकास के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो हमारे बिहार के बिहारी को थोड़ा ना समझ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जाएंगे खाली भाषण देंगे और यहाँ के लोग जो है गुमराह हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इस बार जो है बिहार के युवा, बिहार के किसान, हर वर्ग के लोग मजबूती से समझने लगा है कि बिहार में अभी किसी का भाषण नहीं चलने वाला है और 5 किलो राशन नहीं चलने वाला है, यहाँ पे नौकरी चाहिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एनडीए खेमे में शामिल सभी दल जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए खेमे के पास ही आ जाए। ऐसे में देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी प्रचार करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि अब देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बिहार की तरफ रुक कर रहे। आज शाम में बिहार की राजधानी पटना में उनका शानदार तरीके से रोड शो निकाला जाएगा। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी खुद पटना पहुंचेंगे, तकरीबन 5:30 बजे रोड शो की शुरुआत होगी और देखा जा रहा है कि इस रोड शो के लिए बीजेपी खेमे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस रोड शो को देखते हुए विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी है। आपको जानकारी दे दें कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जो अब राजद के साथ हैं, राजद का हाथ वह थाम चुके हैं एनडीए से बाहर आने के बाद। ऐसे में मुकेश सहनी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए। वह कहते हैं कि बहुत ही खुशी हो रही है कि पटना आ रहे हैं, रात्रि विश्राम भी यहां पर करेंगे, भोज भी करेंगे, ये खुशी की बात है। आखिरकार मल्हा के बेटे की बात उन्होंने सुन ही ली। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं मुकेश सहनी। हम लोगों ने बार बार बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी रात्रि विश्राम नहीं किए, तो एक मल्हा का बेटा का आवाज को सुनकर माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कल रैली करेंगे, तो ये सब खुशी की बात है। लेकिन दुख इस बात का कि सिर्फ वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। हमने कहा भाई देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अब देश के विकास राज्य के विकास के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो हमारे बिहार के बिहारी को थोड़ा ना समझ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जाएंगे खाली भाषण देंगे और यहाँ के लोग जो है गुमराह हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इस बार जो है बिहार के युवा, बिहार के किसान, हर वर्ग के लोग मजबूती से समझने लगा है कि बिहार में अभी किसी का भाषण नहीं चलने वाला है और 5 किलो राशन नहीं चलने वाला है, यहाँ पे नौकरी चाहिए, यहाँ पे रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगे ताकि बिहार के युवा बिहार में रहे, गुजरात में जाके किसी को वहाँ पे मजदूरी ना करना पड़े। तो ये तमाम चीज़ के लिए आ रहे हैं मोदी जी, तो उनको स्वागत करते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे समय में आते हैं जिस समय में वो प्रधानमंत्री थे, राज्य का विकास के लिए चर्चा करते तो अच्छा होता, लेकिन अभी आपने सुना कि किस तरह से मुकेश सहनी ने यहाँ पर अपनी बात रखी। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं जैसे कि कांग्रेस से मीरा कुमार जो हैं वह कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए शर्म की बात है कि किस तरह से उन्हें बिहार आकर बार बार वोट मांगने पड़ रहे हैं। बीजेपी पर इस तरीके के तंज कसे जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी का ये जो रोड शो है इसके लिए तैयारियां जिस तरह से की गई हैं, 5 टन गुलाब और गेंदे के फूल मंगाए गए हैं और इस रोड शो का रूट भी बदल दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से पीएम के प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उनका रोड शो अब भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होगा और गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पर पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो पीएम मोदी का जो रोड शो होगा, ये रोड शो जिन जिन रूट से होकर गुजरेगा, ऐसे में देखा जा रहा है कि ये रोड शो जो होने जा रहा है वो 2.5 से 3 किलोमीटर के समथिंग का है और ऐसे में पीएम मोदी को काफी लोग नजदीक से देख पाएंगे। तो वहीं यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि पीएम मोदी पटना में ही रुकेंगे, रात्रि भोज करेंगे, विश्राम करेंगे और इसके अगले दिन वह हाजीपुर भी पहुंचेंगे। हाजीपुर जिस सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, जो पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार पीएम मोदी का ये जो चुनावी प्रचार है वो उन्हें कितना सियासी फायदा देता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।